चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां सीएम योगी इस वक्त जनसभा को संबोधित करें। एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। यह कांग्रेस की असलियत थी। आज आप देख रहे होंगे रेलवे के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्य हो रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, कहीं आईटी सिटी बन रही है, कहीं पर किसी अन्य सेक्टर में कार्य हो रहा है और कार्य का शिलान्यास जिस दिन होता है उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन तय हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन करने के लिए भी आते हैं। भाइयों बहनों, आज एक तस्वीर बदली है, हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन आपने देखा होगा कैसे भारत एक कृषि प्रधान, बचपन से सुनते रहे हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश ने पिछली हुकूमत ने किया क्या था, पिछली हुकूमत ने किन हमारे किसानों के लिए क्या किया था, और कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, यहां की माताएं यहां की बहनें खेती किसानों की हाथों खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती हैं, लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था, उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है, एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है, एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है, मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है, वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पर समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है, और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई में बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है, भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी, और भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है, आज विकास हर एक स्तर पर देखने को मिलता है, हर एक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं,
हम तुष्टीकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हमने किसान की कनेक्टिविटी और किसान की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज युवाओं के लिए न केवल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे यहां पर येदियुरप्पा जी रहे हो, चाहे वर्तमान में बोम्मई जी के नेतृत्व में हो रहे कार्य हो, कर्नाटक के अंदर तेजी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मजबूती के साथ उतारने वाले राज्यों में कर्नाटक एक राज्य है जिसने सबसे पहले से लागू करने का कार्य किया है। ये यूथ के लिए कंटेन भी देता है, यूथ को अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ता है, यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ता है और यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट का, जिन्होंने समय से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके आज कर्नाटक के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ये ढेर सारे अवसर यहां की आवश्यकता थी और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है, ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हो यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा और टीम इंडिया उतनी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करेगी। कांग्रेस का फेल्ड इंजन भारत को त्रासदी की ओर लेके जाता है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार हमें सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी और खबर बताते हैं। यूपी सरकार की एससी में कैवियर दायर हुई है, बिना पक्ष सुने मामले में कोई आदेश पास न किया जाए, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होगी। मामले में 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस बाबत सुनवाई करेगा। तो यूपी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में ये कैवियर दायर हुई है। कैवियर में कहा गया, बिना पक्ष सुने मामले में कोई आदेश को पास न किया जाए, ये जज से मांग की गई है। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो मामले पर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर। इस कैवियट में कहा गया है कि बिना पक्ष को सुने मामले को सुने कोई आदेश पास न करें, इस बाबत रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग भी यहां पर यूपी गवर्नमेंट की ओर से की गई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां खान सौलत हनीफ को कस्टडी रिमांड पर लेगी पुलिस। जी हां, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी। उमेश पाल अपहरण के मामले में इस वक्त नैनी जेल में बंद है। पुलिस ने खान सौलत हनीफ को भी आरोपी बनाया है। खान सौलत हनीफ पर साजिश रचने के प्रमाण साफ तौर पर मिले हैं। तो पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, रिमांड मांगी जा रही है उमेश पाल हत्याकांड के मामले में। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अपहरण का जो मामला चल रहा था, 17 साल पुराना जो मामला चल रहा था, उस पर अभी भी खान सौलत जो है इस वक्त जेल में है, नैनी जेल में बंद है। लेकिन अब सौलत की जो मुसीबतें हैं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए तार जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो सबूत हैं बता रहे हैं कि सौलत भी उसी में शामिल था। तो खान सौलत हनीफ जो कि एडवोकेट, और अब पुलिस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड मांगी है।
इधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, लेडी डॉन शाइस्ता के मददगारों पर पैनी नजर रखी जा रही है। फराज शाइस्ता 7 वकीलों की मदद ले रही है, ये कहा जा रहा है। शाइस्ता की मदद करने वाले 20 लोग चिन्हित किए गए हैं। संरक्षण और आर्थिक मदद देने वाले 20 लोग चिन्हित किए गए हैं। मोहम्मद मुस्लिम ने शाइस्ता की आर्थिक मदद की थी, यानी कि सब रडार पर हैं पुलिस के। शाइस्ता कहीं बच नहीं पाएगी, क्योंकि शाइस्ता अब आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। इन 20 लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है, जो कि संरक्षण और आर्थिक मदद दे रहे हैं शाइस्ता को। तो फिलहाल आपको बता दें, मोहम्मद मुस्लिम ने शाइस्ता की आर्थिक मदद की है, ये खबर मिल रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता दें, जिस तरीके से शाइस्ता के बारे में कहा जा रहा था, अपने तमाम जो रिश्तेदार हैं उनसे नाता तोड़ लिया, कोई फोन पे बात नहीं कर रही है। लेकिन फरार शाइस्ता अब वकीलों से मदद ले रही है, उनसे गुहार लगा रही है। ऐसे लगभग 20 लोग चिन्हित किए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर हैं। मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंची हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन चुनावी प्रचार के दौरान आज प्रियंका गांधी मैसूर के एक होटल पहुंची, जहां उन्होंने होटल के किचन के अंदर जाकर खुद डोसा बनाया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और बाद में स्थानीय लोगों के साथ बैठ कर खाया भी, इसका लुत्फ भी उठाया है। तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी का मिशन कर्नाटक और लोगों के बीच किस तरीके से जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, होटल का ये किचन है, इस किचन में वो दाखिल होती हैं और डोसा, जो कि पारंपरिक व्यंजन है कर्नाटक का, साउथ का, उसको तैयार कर रही हैं और बड़े ही प्रेम के साथ सभी के साथ खाती नजर आई हैं। तो फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जो कि 10 मई को होने वाले हैं, सभी ने कमर कस ली है। और आज ये देखिए, डोसा बनाती हुई जो तस्वीरें हैं प्रियंका गांधी की, वो वायरल हो रही हैं। इधर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज होनी है। शराब घोटाले मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। राव जवनी कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया की मुश्किलें क्या बढ़ेंगी इस पर देखा जाएगा, या उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि कल ही उनको आरोपी साबित किया है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई है। दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया पर आपका नीति में कथित घोटाले का आरोप है। 26 फरवरी को ही सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान ही ईडी ने 9 मार्च को, यानी कि जब वो बंद थे तभी ईडी ने भी 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग में उनको गिरफ्तार किया। इधर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का उन पर आरोप लगा हुआ है। एलजी कैबिनेट की मंजूरी के बिना आपका नीति में बदलाव करना, कोरोना के बहाने 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप लगा है। शराब घोटाले की चार्जशीट में सीबीआई नाम दर्ज किया। चलिए, किस तरीके से मनीष सिसोदिया मुश्किलों में, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया कोरोना के मामले में उस वक्त उन्होंने आवंटन किए थे लाइसेंस का, तब से मुश्किलों पड़े हुए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया पर आपका नीति के कथित घोटाले का लगातार आरोप लगा हुआ है। 26 फरवरी को सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे तभी ईडी ने 9 मार्च को उनके बाबत एक मामला पेश किया। उसी के साथ साथ अब एलजी कैबिनेट की मंजूरी के बिना आपका नीति में उन्होंने बदलाव किए थे और यही उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। 20 अप्रैल को सेशंस कोर्ट ने खारिज की थी याचिका, सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज की गई थी। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मोदी सरने पर टिप्पणी मामले में ये सजा की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ 20 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में अपील दायर थी, वो खारिज कर दी गई थी, याचिका खारिज कर दी गई थी। और अब कहा यह जा रहा था कि किस तरीके से अब हाई कोर्ट का रुख कर पाएंगे, चूंकि सेशन कोर्ट से उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। मोदी सरने पर टिप्पणी के मामले में उनको सजा हुई थी, उनकी सांसदी गई थी। इसी के चलते अब मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो फिलहाल सूरत कोर्ट के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची को वाटर मेट्रो की सौगात दी थी। इसके बाद आज से इसको आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है।
ये शहर में सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देगी। साथ ही कोची वाटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में और भी अहम साबित होगी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट करीब 1,136 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ है, जो कि 10 द्वीपों को जोड़ेगी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस मेट्रो की सौगात दी गई है। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है। आज इसे तमाम आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जो कि सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देती नजर आएगी। देश की पहली वाटर मेट्रो है ये। इसकी शुरुआत विकास के और एक और कदम इसे कहा जाएगा। सार्वजनिक परिवहन पर्यटन को बढ़ावा देती ये मेट्रो, जो कि 10 द्वीपों को जोड़ेगी। तो फिलहाल इसे आम लोगों के लिए अब खोल दिया गया है। चलिए जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।